हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज मैं आपको होम साइंस के बीए थर्ड सेमेस्टर में जो मील प्लानिंग है उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं आपके मील प्लानिंग में, मैं उनके बारे में आपको आज बताऊंगी। तो नंबर वन, पहला आपका जो आता है मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अगर आपके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी मील प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना ना तो हमें ज़्यादा वेस्ट करना है और ना ज़्यादा कम बनाना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए। तो हमें मेंबर्स सबसे बड़ी एक आपका मस्ट जो है वो पॉइंट होता है। दूसरा आपका है इंटरेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे मील प्लानिंग करते समय एक हाउसवाइफ को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है खाने में, मीन कि वो नॉन वेज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या वेज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, सैलेड में क्या लेना चाहता है। अनदर इसी तरीके पॉइंट आपको लेकर के जो है मील प्लानिंग करनी होती है, जिसमें ये सेकंड पॉइंट जो है वो काफ़ी मस्ट होता है। थर्ड पॉइंट है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जो होती है ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जो मील प्लानिंग करते टाइम जो भी आप एक फूड जो भी है कंज्यूम करने की जो क्वांटिटी है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ साथ ये भी देखना होता है कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही जो है मील प्लानिंग है वो की जाती है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, मीन आपके फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। अगर फैमिली का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो मील प्लानिंग की जाती है, इसके अदरवाइज जो है मील प्लानिंग करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से, क्योंकि हमारा भारत देश अनेक विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर काफ़ी जो है रिलीजन रिलेटेड लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ आपके जो है हिंदूज होते हैं, कुछ मोमनंस होते हैं, एंड इसी तरीके से आपके ईसाई हो जाते हैं, क्रिश्चियन एंड सिख हो जाते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग भी होते हैं। तो सब अलग अलग रिलीजन होते हैं और उनके खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। इसके बाद हम स्टेट वाइज बात करें तो जैसे गुजरात है तो वहाँ का खाना का जो है तरीका अलग होता है। वहीं पर अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ के खाने के तरीके अलग होते हैं, जैसे इडली सांभर डोसा वगैरह वगैरह। वहीं पे अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का खाने का तरीके अगर देखा जाए तो मोस्टली जो आपका मिड वाला जो हमारा इंडिया का पोर्शन आता है, वही नॉर्थ का और मिड का ये दोनों एक सा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर खाने में लगभग ज़्यादातर अनाजों का यूज़ होता है, मीन जो कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है वो अनाजों से लिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ईस्ट की तो पूर्वी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चावल का यूज़ ज़्यादा होता है, और हम बात करते हैं अगर वेस्ट की तो पश्चिम में भी लगभग चावल का यूज़ ज़्यादा होता है। यानी अगर हम तीन दिशाओं की बात करते हैं तो नॉर्थ को छोड़ करके साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तीनों जगह राइस का यूज़ ज़्यादा मिलता है। वहीं पे अगर नॉर्थ की और मिड इंडिया की बात करते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर गेहूँ का प्रयोग ज़्यादा होता है। यानी किसी भी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो चारों दिशाओं में लगभग कार्बोहाइड्रेट का जो यूज़ होता है वो लगभग अनाजों से लिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं। इसके बाद प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन किन सोर्सेज से लिया जाता है, तो जो नॉन वेज का यूज़ करते हैं तो वो तो चिकन, मटन एंड फिश वगैरह से ले लिया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो वेजिटेरियन जो होते हैं वो लोग जो है आपका वनस्पति से जो प्रोटीन प्राप्त होती है, स्पेशली दालें जो पल्सेस होती हैं उनसे ही जो है प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं या लेते हैं। फिर बात आती है बेस्ड ऑन जेंडर। फिर हमें ये देखना पड़ता है मील प्लानिंग करते वक्त कि क्या एक वो चीज़ प्रभावित करती है, वो है हमारा जेंडर, लिंग यानी स्त्री या पुरुष, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, तो इनके खाने में जो है क्वांटिटी वो कम बढ़ होती है। जैसे एक स्त्री है वो खाना कम खा सकती है, वही पुरुष ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, हैवी वर्कर होता है। जो महिला होती है, जो एक स्त्री है, वो मॉडरेट जो है वो होती है या सिंपल वर्कर हो सकती है, वहीं पुरुष अधिकतर हैवी वर्कर होते हैं, इसलिए उन्हें खाने में
जो है प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है एक महिला की अपेक्षा। वहीं पे आयरन की बात करते हैं तो एक महिला को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक पुरुष को आयरन की कम ज़रूरत होती है, यानी लोहे की जो है वो कम मात्रा या कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैल्शियम एंड हाई फास्फोरस डाइट जो है वो दी जाती है। तो इस डाइट के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसका मील जो है तैयार करते हैं। इसके बाद सिक्स जो आपका पॉइंट है वो है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारा जो धन होता है वो काफ़ी सीमित मात्रा में होता है, ठीक है, सभी के पास लिमिटेड होता है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम खाने को जो है वो रेडी करते हैं। जैसे कि प्रोटीन हमें दो चीज़ों से मिलता है, दालों से भी मिलता है और पनीर से भी मिलता है। तो पनीर वह अगर आप नहीं ले पा रहे, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो उसकी जगह हम दालों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दालों में जो है वो हाई प्रोटीन होता है और हाई प्रोटीन का जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से अगर फैट की बात करते हैं तो फैट के लिए हम देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फैट के लिए सूखे मेवे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप गिरिया या तिलहन का ना यूज़ करके आप नॉर्मली प्योर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो पर डे, एक जो होता है रेशियो, उससे आपकी 1 ग्राम फैट से आपकी 9 कैलोरी निकलती है, इसीलिए आप उसमें डिवाइडेशन करके आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। अब आपके पास फूड, आपके पास खाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, तो जिस तरीके से आप प्रोटीन में देख सकते हैं आपके पास क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट में देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा अनाज है, आप विटामिन मिनरल्स के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी सब्जियां हैं जिससे आपको आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर जो भी आपके मैक्रो एंड माइक्रो आपके मिनरल्स होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे आप फैट के लिए आप 2 चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, आप या तो उसको सैचुरेटेड फैट के रूप में या अनसैचुरेटेड फैट के रूप में आप उसे ले सकते हैं। यानी आपके पास सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर, ठीक है, अपनी जगह है। तो ये आप जो 5 या 6 जो आपके एलिमेंट्स हैं इन सभी को आपको देखना होता है कि सभी चीज़ों की पूर्ति भी हो जाए और सारी चीज़ें यूज हो जाएं। इसके बाद आपकी आती है एज। एज के अकॉर्डिंग जो है वो आपको मील प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि घर में बच्चे भी हो सकते हैं, एजेड भी जो है, वृद्धावस्था जो आपकी आती है, यानी जितनी भी अवस्थाएँ आती हैं, स्पेशली आपके इन्फेंसी पीरियड से लगा के जो आपकी वृद्धावस्था तक की जो एज है, ओल्ड एज वाली है, ये सभी एज को आपको ध्यान रखना होगा। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो मील प्लानिंग की जाती है। इसके बाद आपकी आती है प्राइस ऑफ ईटिंग मटेरियल्स, मीन वही चीज़ आ जाती है यहाँ पर भी कि धन आपके पास सीमित होता है और खाने वाली जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, क्योंकि बेमौसम जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, वहीं पे अगर आप मौसम वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वो सस्ती होती हैं। इसके बाद आती है इफ़ेक्ट ऑफ सीज़न। तो आप वही चीज़ है कि मौसम के अनुरूप आपको चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि बेमौसम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आती है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे मौसम में कोई चीज़ आ रही है, कुकुम्बर ही आप ले लें, अगर कुकुम्बर आप यूज़ करते हैं मौसम के अनुरूप तो उसका टेस्ट कुछ डिफरेंट होगा, और जो आप बेमौसम लेंगे तो उसका जो है टेस्ट वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो ये आपके 10 पॉइंट्स थे मील प्लानिंग में कि क्या चीज़ें हैं जो इसके प्रभावित करती हैं मील प्लानिंग करते समय। तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, इंटरेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स, फिजिकल कंडीशन, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। इसके बाद आपका एज आता है, नेक्स्ट आपका प्राइस ऑफ ईटिंग मटेरियल्स है, एंड 10 जो आपका लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सीजन। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है, और एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि मील प्लानिंग को कौन सी चीज़ें या आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व तो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मील प्लानिंग में जो नेक्स्ट आपके आने वाला है कि जो भी आपकी एज ग्रुप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से में डिवाइड करते हैं, जैसे इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड है, और आपका एडोलेसेंट है, एडल्टहुड है, और ओल्ड एज, इनमें आपको कौन कौन से जो हैं
डालने हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को हल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर के आपका जो फर्स्ट यूनिट का था, वो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट में भी आपकी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।